दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक में प्रशासन की पहल देखने को मिल रही है, जिसमें गौठान को ढाबे में तब्दील कर दिया गया है। जिस गौठान में केवल गोबर, खेती और पशुपालन जैसे कार्य हो रहे थे, वहीं अब लोगों को स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। जिला प्रशासन ने 16 लाख की राशि खर्च कर ढाबा तैयार किया और बॉस पॉडेन बंगाराम स्व सहायता समूह को संचालित करने दिया है। महिलाओं द्वारा संचालित ढाबे को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर विनीत नंदनवार और जिला पंचायत सीईओ प्रकाश आकाश उच्चकारा ने ढाबे पर पहुंचकर भोजन का आनंद लिया। दंतेवाड़ा जिले में जो गीदम ब्लॉक में ये कार्ली का जो गौठान है, और इस गौठान की जो सबसे प्रमुख बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप सभी गौठानों को जो है हमें मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। और यहाँ का एक अभिनव प्रयोग है कि इस गौठान में न केवल मुर्गी पालन किया जा रहा है, सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है, गोबर क्रय किया जा रहा है, बल्कि स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा यहाँ पर एक ढाबा का भी संचालन किया जा रहा है।